आखिर विवादों की शुरुआत हर बार खेसारी लाल यादव ही क्यों करते हैं। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, खेसारी लाल को क्यों कहा जा रहा है कि विवादों की शुरुआत वो करते हैं। लेकिन इस बार सच में खेसारी ने ही विवाद की शुरुआत कर दी है, और शायद ये विवाद उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, पर विवाद शुरू उनके ही वजह से हुई है। एक बार फिर से दोनों स्टारों के फैंस एक दूसरे को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद छिड़ा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। खेसारी लाल एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, जिसमें कुछ पत्रकारों ने खेसारी से सवाल किया कि आप पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं देते। तो खेसारी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे जन्मदिन पर भी कोई बधाई नहीं देता है। ये बड़े स्टार हैं जिनकी उम्र हो गई है, वो जब हीरो बन रहे हैं तब लग रहा है कि वो एक अंकल हैं, वो चाचा की उम्र के लग रहे हैं, और अब उनका एज हो गया। एक पत्रकार ने खेसारी से पूछा कि आप और पवन सिंह एक साथ एक स्टेज पर कब दिखेंगे। तब खेसारी ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि वो बड़े हैं, पहले वो पहल करें, फिर देखा जाएगा। खेसारी लाल इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, जब भी वो चाहेंगे तब हम दोनों दिखेंगे। यदि खेसारी ये भी कह देते तो इसमें खेसारी का कुछ भी नहीं बिगड़ जाता। हम यहाँ खेसारी की बुराई करने नहीं आए हैं, लेकिन खेसारी हम सबके चहेते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनसे गलती हो गई है। अब आप ये सोचेंगे कि खेसारी लाल से ही विवाद की शुरुआत क्यों हुई। जैसे ही पत्रकार ने खेसारी से पवन सिंह के बर्थडे को लेकर सवाल किया, तो खेसारी ये भी कह सकते थे कि पवन सिंह के बारे में मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। लेकिन भोजपुरी है भाई साहब, विवाद नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इतना कुछ होने के बाद पवन सिंह का क्या रिएक्शन आया। तो पवन सिंह भी कहां चुप रहते, उन्होंने भी पटना में उनका शो चल रहा था और स्टेज पर ही उन्होंने अपनी बातें कह डाली। उन्होंने खेसारी लाल पर तंज कसते हुए कहा कि एक आदमी ने हमको अंकल कहा है कि मेरा एज हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे उनका आज ही जन्म हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिनका आज जन्म हुआ है उनके लिए गाना भी होना चाहिए, और उन्होंने खेसारी लाल यादव के लिए एक सोहर भी गाया। अब इन दोनों से यही कहा जा रहा है कि आप दोनों बड़े स्टार, आपके फैंस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खेसारी लाल और पवन सिंह के इस विवाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें सोशल संवाद।